हेलो दोस्तों, मास्टर का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन से पार्ट फोर है, जिसमें हम आपसे चर्चा करने वाले हैं टू प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो टू प्रीपोजिशन है कहाँ कहाँ यूज होता है, तो प्रीपोजिशन काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारत के ये सब जो है आपके एग्जाम में काफी बड़ी मात्रा में जो है पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें, मैंने आपको एट प्रीपोजिशन करा दिया है, ठीक है, बाय प्रीपोजिशन करा दिया है और ऑफ प्रीपोजिशन करा दिया। इन प्रीपोजिशन में के वीडियो जो है मैं आपको दे भी चुका हूँ, तो आप सभी जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लेक्चर फोर, जिसमें हम चर्चा करेंगे टू प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस तरीके से होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है रूल नंबर वन, क्या कहता है रूल नंबर वन, ये कहता है टू का यूज जो है की और के सेंस में किया जाता है। यानी कि अगर कोई आप सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कुछ इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं और आप उसका जैसे हिंदी सेंटेंस बनाया और अगर उसमें की और का सेंस आया और आप उसका ट्रांसलेशन जब आप इंग्लिश में करेंगे तो वहां पर आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे की और के सेंटेंस को बताने के लिए। इतनी बार समझ आए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं हिंदी में और वहां पर की और का सेंस आ रहा है और उस हिंदी के सेंटेंस को जब आप इंग्लिश कन्वर्सेशन में बदलेंगे तो की और को बताने के लिए आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में, ठीक है। और अगर कहीं सेंटेंस ऑलरेडी न्यूज़पेपर में या फिर आप कहीं इंटरनेट पर पढ़ते हैं और वहां पर आपका सेंस निकल गया है की और का सेंस, तो वहां पर टू जरूर यूज होगा। इतनी बार समझ आई, तो चलिए उसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। की और मतलब किसी की और लक्ष्य को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। एम क्या है कि किसकी ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो एम ही बताता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, ये एम ही बताता है कि आप मेरा एम वहां पहुंचना है, वहां जाना है ना, तो यही है। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल में क्या है, ही वाज गोइंग टू पटना मार्केट। तो ये जो पटना मार्केट है ये आपका क्या है, सॉरी, ये जो पटना मार्केट है ये आपका जो है लक्ष्य है, जो पटना मार्केट है ये आपका क्या है लक्ष्य है और यहाँ पे जो है टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या सेंस निकलेगा, ही वाज गोइंग टू पटना मार्केट, वे पटना मार्केट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, या को जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, की ओर के सेंस में आप पटना मार्केट, सॉरी, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आप चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो टू का सेंस यूज किया जाता है वो तक के सेंस में किया जाता है, वो भी जो टाइम और प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है उनके पहले। टाइम मैंने क्या कहा कि जो टू का यूज है वो तक के सेंस में, जैसे आपने मैंने बताया कि अगर आप हिंदी का सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें तक का सेंटेंस में कि यहाँ तक या फिर सोमवार से लेकर मंगलवार तक ऐसा कुछ आपका सेंटेंस बनना है या फिर इस दरवाजे से उस दरवाजे तक या फिर कोई सा भी तक का सेंस अगर उसमें आ रहा है तो वहां पर आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और जो तक का जो सेंस देता है, टू का जो सेंस मिलता है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड और प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड के जस्ट पहले लगता है। ध्यान से देखना, जैसे कि सी वेटेड फॉर मी, वो मेरा वेट, उसने मेरा वेट किया फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी मॉर्निंग टू इवनिंग, तो मॉर्निंग से इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक, तो तक के सेंस में किसका यूज हुआ, टू का। अब आप अगर देखिए, तो पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, जो पोस्टमैन है डिलीवर्स करता है मतलब देता है, लेटर देता है फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, मॉर्निंग टू इवनिंग, डोर टू डोर, यानी तक के सेंस में हमेशा आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये बात आपको नहीं बोलनी है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे कहता हूँ कि सी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए कहता हूँ मॉर्निंग फ्रॉम इवनिंग, मॉर्निंग विद इवनिंग, तो ये सारे प्रीपोजिशन आपके गलत हो जाएंगे। आपको पता है मॉर्निंग टू इवनिंग और मतलब समय को समय एक्सप्रेसिंग वर्ड के जस्ट पहले और प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड के जस्ट पहले आपका टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, दैट्स ऑल। इसके लिए आपका और प्रीपोजिशन अगर यूज हुआ है मतलब एरर आपका वन पर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो यूज होता है टू, टू जो है यूज होता है के लिए के सेंस में यूज होता है। यानी कि अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं उसमें के लिए के, जैसे कि मैं जानकारी के लिए जो है न्यूज देखता हूँ या फिर कुछ भी आपका के लिए के सेंस में अगर आपका कोई मीनिंग निकलता है आप उसको बना रहे हैं तो वहां पर आपको जो है टू प्रीपोजिशन का यूज करना ही होगा। या फिर अगर कहीं पे हुआ है और वहां पर के लिए का सेंस निकल के आ रहा है तो वहां पर टू प्रीपोजिशन जरूर ही यूज हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, ही गोज टू वॉक, वह वॉक के लिए जाता है इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू का यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, के लिए के सेंस में आपका टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। और फोर भी आ सकता है, देखो ही गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, तो फोर, फोर का सेंस भी आपका के लिए के सेंस में होता है, बट लेकिन
फोर का यूज भी किया जा सकता है, ही गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, बट लेकिन यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग भी के लिए के सेंस में होता है। तो अगर कहीं पे फोर जैसे के लिए के सेंस के लिए फोर भी लगा हुआ, कहीं पे टू लगाना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होते, कोई दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, आपका जो है दोनों का सेंस एक ही निकलेगा। ठीक है, अगला देखिए टू। टू का जो यूज है पास यानी समीप के सेंस में किया जाता है, मतलब कोई किसी के पास या समीप बैठा है वगैरह किसी के सेंस में, या कोई किसी के पास आता है तो उसके सेंस के लिए आपका टू प्रीपोजिशन में यूज होता है। जैसे कि आप देखिए ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही केम टू मी वह मेरे पास आया, या वह मेरे पास आके बैठ गया, तो उसके सेंस में भी आप टू का यूज करेंगे। तो टू का जो यूज होता है वो पास या समीप के सेंस में, अगर आप कोई हिंदी सेंटेंस बना रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं, या फिर आप डायरेक्टली ही इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रहे हैं, इंग्लिश का कोई सेंटेंस बता रहे हैं और उसमें ऐसा यूज किया जा रहा है कि पास या समीप का सेंस आ रहा है, तो उसमें आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर टू की जगह कोई और जैसे ही कैम विद मी, तो वो मेरे साथ में है, मेरे साथ में आया, तो ये मीनिंग हो जाएगा अलग। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर विद यहाँ पे लगा रहा तो प्रीपोजिशन हो जाएगा गलत, तो मतलब ही केम टू मी पास के सेंस में आप केवल और केवल टू प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे, दैट्स ऑल। ये इतनी बात। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या आपसे बात करी कि टू का यूज है की और ये लक्ष्य के बताने के लिए किया जाता है, टू का यूज समय टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड और प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड के जस्ट पहले किया जाता है। ठीक है, और टू का यूज के लिए के सेंस में किया जाता है, के लिए के सेंस में। तो फोर का भी यूज किया जाता है के लिए के सेंस में, दोनों ही सही रहेंगे आपके। और अगला आता है टू का जो यूज है वो पास के समीप के सेंस में किया जाता है, जो कि आपने सभी एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर। तो ये रहे आप सभी के सामने अगले पॉइंट्स, देखिए कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि टू का जो यूज है इंटेंशन मतलब की इरादा, ठीक है, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है प्रतिबंध। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टू का यूज है इंटेंशन बताने वाले शब्दों सेंटेंस में, जो ऐसे सेंटेंस जिससे इंटेंशन पता लग रहा है, तो उन सेंटेंस में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, पर्पस वाले सेंटेंसेस में टू का यूज होगा, रिस्ट्रिक्शन वाले जो आपका सेंटेंस रहेगा उसमें आप टू का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल में देखिए, इसलिए मैंने इसको बताने के लिए दो तीन एग्जांपल लिए हैं। देखिए क्या है, ही इज टू राइट अ लेटर, वह लेटर लिखने को है या लेटर लिखने वाला है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है, लेटर लिखना। ठीक है, अगला ही हैज टू डू दिस वर्क, उसे इस काम को करना है, उसे इस काम को करना है। तो इसमें आपको क्या आ रहा है कि उसका इरादा है इस काम को करने का, तो ही हैज टू डू दिस वर्क। ठीक है, अगला सी हैड टू स्टे इन पटना, उसे पटना में रुकना पड़ा, सी हैड टू स्टे इन पटना, तो उसे पटना में रुकना पड़ा। तो ये उसका क्या था, रुकना पड़ा, तो ये उसका इंटेंशन तो नहीं था, उद्देश्य नहीं था, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया कि उसे रुकना पड़ा, है ना, कि उसे रुकना ही पड़ा, तो जो मजबूरन वो काम करना पड़ा, तो वो आपका क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्शन है वहां पर कि उसे वो काम करना ही पड़ेगा। तो ये सारे मैंने आपको बताया कि मतलब कि टू का जो यूज होगा वो इंटेंशन बताने वाले सेंटेंसेस में, पर्पस बताने वाले सेंटेंसेस में, और साथ ही रिस्ट्रिक्शन बताने वाले सेंटेंसेस में टू प्रीपोजिशन का यूज जरूर होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई आपको इस सभी को। तो मैंने टू का यूज यहाँ पे क्या है, और जहां पे टू लगा है ये सभी सेंटेंसेस में, तो वहां पे क्या है कि वो इस काम को करने वाला है, या इस काम को करने को, उसे इस काम को करना है, तो ये सारे सेंटेंसेस में टू का यूज होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या होता है टू, टू का यूज जो है पहले यानी समय, जो समय एक्सप्रेसिंग वर्ड है ना, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, उसमें जो है समय के पहले आपका लगेगा क्या, टू प्रीपोजिशन, जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है उसमें समय बताने वाले जो वर्ड्स है उनके जिस पहले टू प्रीपोजिशन का यूज होगा ही होगा। जैसे कि ही इज क्वार्टर टू टेन, नहीं ही आएगा, इट इज, ठीक है, इट इज क्वार्टर टू टेन, पौने दस बजे हैं, पौने दस बजे हैं, या फिर दस बजने में पंद्रह मिनट पहले, दस बजने से पंद्रह मिनट पहले, देखो पहले के सेंस में यूज हुआ है ना, तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि क्वार्टर टू टेन, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब हो गया आपका वन फोर्थ, है ना, तो आपको पता है कि वन फोर्थ हो जाएगा साठ का, अगर आप वन फोर्थ करते हैं तो सिक्सटी मिनट आते हैं, लेकिन क्वार्टर टू टेन मतलब हो गया पौने दस बजे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दस बजे से पंद्रह मिनट पहले, तो
क्वार्टर टू टर्न यानी कि आपने क्या देखा, क्वार्टर टू टर्न यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है, तो टाइम के जस्ट पहले आपने टू प्रीपोजिशन का यूज किया है जो कि सही है। अगर इसकी जगह फोर कोई अदर प्रीपोजिशन यूज होता है तो इसका मतलब आप समझ आना कि एरर हमारी वहीं पर है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्या कह रहा है, टू प्रीपोजिशन का जो यूज है वो पर के सेंस में किया जाता है। किसके सेंस में किया जाता है, पर 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 के सेंस में किया जाता है टू प्रीपोजिशन में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, सी वाज इन्वाइटेड टू टी, सी वाज इन्वाइटेड टू टी, सॉरी सी वाज या फिर ही वाज इन्वाइटेड टू टी, ही वाज इन्वाइटेड टू टी, वह चाय पर उसे चाय पर इन्वाइट किया गया था, है ना, उसे चाय पर बुलाया था या चाय पर इन्वाइट किया गया था, तो चाय पर उसे डिनर पर इन्वाइट किया गया था, लंच पर इन्वाइट किया गया था। तो पर के सेंस में आप जो है टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एक बार फिर से हम रीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, टू का जो यूज है इंटेंशन, पर्पस और रिस्ट्रिक्शन बताने वाले सेंटेंसेस में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, और टू का यूज जो है समय के पहले, जो समय बताने वाले शब्द हैं उनके जस्ट पहले टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, और टू का यूज जो है पर के सेंस में होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो देखिए आप सभी के सामने अभी जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो है ये कि टू का जो यूज है के प्रति के सेंस में किया जाता है। के प्रति मतलब आपको आपको कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं या फिर हिंदी में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं कि हमें अपने देश के प्रति मान रहना चाहिए, तो अगर के प्रति किसी सेंटेंस में आ रहा है तो वहां पर आप वहां टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और अगर कहीं आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में सेंटेंस और वहां पर सेंस आ रहा है, वहां पर अगर टू है तो यानी कि वहां पर किसी भी जितने भी आपने तरीके से पढ़े हैं तो उनमें के प्रति का सेंस अलग अलग तरीके से सेंस निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो टू का यूज के प्रति के सेंस में किया जाता है, मतलब आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, उसे अपने कर्तव्य के प्रति, कर्तव्य केयरफुल हिज ड्यूटी, तो उसे अपने कर्तव्य के प्रति जो है सावधान रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो टू का यूज के प्रति के सेंस में यूज आया, तो के प्रति के सेंस में आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो उसमें के प्रति आ रहा है तो आप वहां पर टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, टू का जो यूज है को के सेंस में किया जाता है। अब देखिए कैसे, द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, मतलब लैंडलॉर्ड मतलब जो जमींदार था उसने मनी दी टू ऑल सभी को, तो को के सेंस में यूज हुआ। तो अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो उसमें को का सेंस आ रहा है तो आप वहां पे इस भी टू प्रीपोजिशन का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, सभी को मनी दी, ठीक है। तो को के सेंस में यूज हुआ इसलिए हमने टू प्रीपोजिशन का यूज किया यहाँ पर, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला रोल नंबर क्या कहता है, टू का जो यूज है वो सी के सेंस में किया जाता है। मैंने क्या बोला आपको, तो टू का जो यूज है वो सी के सेंस में किया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसमें सी सेंस आ रहा है, आप वहां पर इजिली टू प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मुझसे कहा, तो सी के सेंस में आपने किसका यूज किया, टू का यूज। और आप कोई भी सारे सेंटेंस बोल रहे हो उसमें सी यूज हो रहा है, आप वहां पर टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टू प्रीपोजिशन का यूज कंपेयर यानी तुलना के लिए किया जाता है। मैंने क्या कहा, टू जैसे कि आप कहेंगे तुलना के लिए तो देन का भी यूज किया जाता है ना, बट लेकिन वो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री, कंपेयर जब करते हैं ना तो वो कंपेयर के लिए कंपेरेटिव डिग्री का यूज, कंपेरेटिव डिग्री में देन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है ना। आप इसे यहाँ पे समझिए, देखिए टू का जो यूज है वो कंपेयर यानी तुलना के लिए किया जाता है, बट लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है ना, मतलब कि ये है कि टू और देन दोनों का यूज कंपेयर के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एग्जांपल क्या है, बस जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, तो जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स मतलब क्या है कि वह अपने सभी मित्रों में छोटा है, तो कंपेयर कंपेयर किया जा रहा है कि मित्रों से कम उसकी तुलना की जाए कि वो छोटा है बड़ा है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको ऐसा लगता है सेंटेंस को मानने पर कि वहां पे कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पर टू प्रीपोजिशन जरूर आना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, दे वन बाय सिक्स गोस टू थ्री, दे वन बाय सिक्स गोस, अब देखो यहाँ पर तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है या फिर कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी टू का यूज हुआ है ना, तो इसलिए टू का यूज आप समझेंगे। और देन का यूज आपको हमेशा, तो ये तो आपको पता है कंपैरेटिव यूज किया जाता है, बट लेकिन टू का यूज भी किया जाता है अगर कंपैरेटिव नहीं है तो, ठीक है। तो तुलना के सेंस में टू का यूज आप करेंगे, ठीक है, अगर कंपैरेटिव नहीं है तो। जैसे कि दे वन बाय सिक्स गोल टू थ्री, तो वो छह तीन से जीत गए, मतलब कि छह की तुलना में जो है जो दूसरे के तीन थे उनके छह थे, तो वो छह तीन से जीत गए, मतलब कि उनके तीन जो हारने वाले के तीन थे गोल और
जीतने वाले के 6 गोल से, तो 6 दिन से वो जीत गए। तो देवगन बाइस 6 दोस्तों 3, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बार फिर से बता देते हैं क्या क्या मैंने बताया आपको। यहाँ पर मैंने बताया टू का यूज है, कोई भी सेंटेंस आप बता रहे हो उसमें के प्रति का सेंस आया तो आप वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगला टू का यूज को के सेंस में किया जाता है, कोई अगर को का सेंस निकल के आ रहा है तो आप वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर वहां पर टू यानी सी का सेंस निकल के आ रहा है तो हम वहां पर टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर वहां पर जो है तुलना कंपेयर कंपैरिजन का जो है आप ऐसे कहीं मीनिंग निकल के आ रहा है या फिर उस सेंटेंस में तुलना जो है की जा रही है सेंटेंस को पढ़ने पर आपको लगता है कि वहां पे कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे से तो आप वहां पर टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बाकी आपको पता है कि कंपेरेटिव में तो आप देन का यूज करते हैं, लेकिन अगर कंपेरेटिव नहीं है तब आप जो है कंपेयर करने के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ये बात जूनियर टू ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंपेयर की जा रही है, दे वन बाय सिक्स गोल टू थ्री यहाँ पर भी 3 और 6 से जो है कंपेरिजन किया जा रहा है। तो आप यहाँ समझिए यहाँ पर आपने किसका यूज किया, टू प्रीपोजिशन का यूज किया है, ठीक है। अब ये जाएगा 6 goes to 3, तो ये जो 3 यूज हुआ इसके जस्ट पहले जो है 2 प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो देखिए आप सभी के सामने आगे रूल्स कौन कौन से हैं। अगर रूल क्या गया है, 2 और 4 का यूज, एक बार ध्यान से समझना कि 2 और 4 का यूज कहाँ किया जाता है, कहीं कहीं पर 2 का यूज नहीं किया जाता है, कहीं कहीं पर 4 का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि होम के पहले, इसमें हम क्या बता रहे हैं आपसे, ध्यान से समझना, होम के जस्ट पहले 2 का यूज नहीं होता है। तो होम के लिए पर्टिकुलर एक कंडीशन है, जब वो कंडीशन अप्लाई होगी तब आप होम के पहले जो है 4 प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि ध्यान से समझना और 2 प्रीपोजिशन का यूज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना, प्लीज सेंड हर होम। तो जो 2 का यूज है, 2 का यूज है नॉर्मली जो है होम के जस्ट पहले नहीं होता है, होम के जस्ट पहले, एक बार ध्यान रखना, होम के जस्ट पहले 2 प्रीपोजिशन का यूज कभी नहीं होता है, ठीक है। प्लीज सेंड हर टू होम, सॉरी ऐसा कभी नहीं होगा, हर टू होम ऐसा कुछ कर लेंगे ये 2 और देन ये, तो ये हो जाएगा गलत। तो आपको ध्यान रखना है कि होम के जस्ट पहले, ये होम के लिए स्पेशल रूल है कि होम के जस्ट पहले 2 प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ठीक है। और अगर यूज होगा, अगर होम के जस्ट पहले यूज होगा तो वो कब यूज होगा उसके लिए कंडीशन है क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव या कोई फ्रेजेस होम के जस्ट पहले आता है। अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव या फ्रेजेस होम के जस्ट पहले आता है तो आप जो है टू प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं होम के जस्ट पहले, होम के पहले। जैसे कि माई, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई हर हिज, ठीक है। पॉसेसिव मतलब जो अधिकार बताते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, द पब्लिशर केम टू माई होम यस्टरडे, है ना। तो होम के जस्ट पहले क्या आया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या यूज किया, होम के जस्ट पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव देन 2 का यूज किया। तो होम वाले सेंटेंस में 2 का यूज तब होगा जब उसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव या फ्रेजेस यूज होगा, तो आप होम के पहले जो है 2 प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप 2 प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते होम के जस्ट पहले, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई, अब आगे चलिए। देखिए एक बात और क्या ध्यान रखना है आपको, लीव और स्टार्ट फॉर अ प्लेस, लीव और स्टार्ट के साथ हमेशा 4 प्रीपोजिशन का यूज होगा और ये प्लेस के लिए यूज होगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि लीव और स्टार्ट, ये लीव और स्टार्ट दोनों के बाद हमेशा और हमेशा 4 प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे कि ध्यान से समझिए, शी इज लीविंग, यहाँ पे 2 का यूज नहीं है, यहाँ पे 4 का यूज है के लिए के सेंस में, ठीक है। लीव और स्टार्ट, तो शी इज लीविंग फॉर पटना टूडे, वह पटना के लिए आज जा रही है, ठीक है। लीविंग फॉर पटना, पटना को छोड़ रही है, टुडे आज, वह पटना से आज जा रही है या पटना के लिए जो है जा रही है, ठीक है। शी इज लीविंग, वह छोड़ रही है फॉर पटना टुडे, तो आज वो पटना को छोड़ रही है ना। के लिए के सेंस में या फिर को के सेंस में जो है 4 प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो आप ध्यान रखना, आपको लीव के साथ आपको हमेशा 4 प्रीपोजिशन यूज करना है और स्टार्ट के साथ आपको हमेशा 4 प्रीपोजिशन यूज करना है। मैंने क्या कहा, लीव और स्टार्ट के साथ आपको 4 प्रीपोजिशन यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखिए, यू शुड लीव फॉर होम, तो अगर लीव यूज हुआ है तो वहां पर 4 प्रीपोजिशन लगेगा ना कि 2। यू शुड लीव टू होम ऐसा आ सकता है और आप सोचेंगे सही है, बट जबकि वो गलत है, क्योंकि आपको पता है लीव और स्टार्ट के साथ हमेशा और हमेशा 4 प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, इसे आप रख लेंगे, ठीक है।
एक बार देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको, टू और फोर प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होगा, तो मैंने आपको बताया होम की जस्ट पहले टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, अगर पहले यूज होगा तो उसके लिए कंडीशन है क्या कि पॉसेसिव एडजेक्टिव या प्रेजेंस होम के पहले आएगा, देन उसके पहले आपको टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे देखिए जैसे द प्रोड्यूसर केम टू माय होम यस्टरडे, तो होम के जस्ट पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आया या फिर कोई फ्रेज आएगा, देन जो है आपको टू प्रीपोजिशन होम वाले सेंटेंस में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लीव और स्टार्ट के जस्ट बाद आपका जो है फुल प्रीपोजिशन का यूज करना है, लीव और स्टार्ट के जस्ट बाद आपको फुल प्रीपोजिशन का यूज करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें मैंने आपसे करी है, आपको ध्यान रखनी है, एक पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सभी के सामने अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि टू का यूज निम्नलिखित तरीके से किया जाता है, टू इज यूज इन द फॉलोइंग वे, जैसे कि ध्यान से समझिए, ये सारी वर्ब्स से वर्ब्स की जस्ट बाद टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, देन प्लेस का स्थान जो भी है, गो टू अ पटना, टू अ पटना, तो गो टू दिल्ली, तो ये सब इस तरीके से यूज किया जाता है। तो गो आपको वर्ब से गो, गेट, कम, सेंड समबडी और सेंड समथिंग, तो इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज हो, क्या आपको क्या ध्यान रखना है, गो के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज, गो टू कॉलेज, गो टू स्कूल, ठीक है, गेट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होना है, कम के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, गेट, गो, कम, टू, सेंड समबडी टू अ प्लेस, send somebody to a place or send something to a place, तो ये सारे वर्ड्स हैं कि go, get, come, send somebody or send something, ये सभी के साथ two preposition का use होता है, साथ ही place आपका आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी के साथ two preposition का use होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कहेंगे ये सारी फिक्स प्रीपोजिशन है कि गो के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा, गेट के साथ टू प्रीपोजिशन, कम के साथ टू प्रीपोजिशन, सेंड के साथ, समबडी के साथ टू प्रीपोजिशन और सेंड समथिंग के साथ आपका टू प्रीपोजिशन यूज होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमने आज करी टू प्रीपोजिशन के बारे में, और आशा करता हूँ आप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। इसके प्रैक्टिस सेट में देखेंगे हम, ठीक है, तो कितने अच्छे तरीके से हम उसको कर पा रहे हैं इसको समझने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।